हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में हम बताने वाले हैं बेंगलोर में पीजी कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा पीजी है, यहाँ पे जेंट्स के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है, को लिविंग भी है। तो आज मैं बताने वाला हूँ पूरा डिटेल्स कि कैसे आप पीजी ढूंढ सकते हैं, जिसमें इसका प्राइस क्या होगा और क्या क्या प्रोवाइड करेगी। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में और देखते रहे कि वो स्टार ब्लॉग। और मैं आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो भी यहाँ पे पीजी है मेरे सामने, यहाँ पे कितनी अच्छा पूरा पीजी बनाया हुआ है सब। और ये एसएस इलाइट है जो को लिविंग का पीजी है, जो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा भी है। और यहाँ पे जिम भी फ्री है। और यहाँ पे ना भाई हर जगह मतलब बहुत ज़्यादा पीजी है, अब सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा पीजी है यहाँ पे। लगभग फ्लैट कम मिलता है लेकिन पीजी हमें हर जगह अवेलेबल रहता है। तो ये जो बिल्डिंग है आप देख सकते हैं जो काफ़ी सुंदर है, और ये काडू बेस नली के पास में ही है। मैं अंदर जाके यहाँ पे दिखा रहा हूँ और काफ़ी सुंदर बनाया है ये। और मैं ऊपर जाके रूम भी शेयर करता हूँ, रूम भी दिखाता हूँ आप लोगों को। चलते हैं, हम आपको रूम दिखाते हैं जो टू शेयरिंग का है। और देख सकते हैं ये पूरा रूम है भाई, और यहाँ पे कवर्ड है और यहाँ पे मस्त बालकोनी है। आप बालकोनी से भी आके मस्त इंजॉय कर सकते हैं आप आके आराम से। ये आप देख सकते हैं ये टू शेयरिंग का है जो बालकोनी वाला है, जो 12,000 है। और ये रूम भी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत साफ़ सफाई है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बाथरूम भी जो है काफ़ी अच्छा बनाया है ये। तो यू गाइस विल एंजॉय। और ये कुछ टेरेस का व्यू है भाई, यहाँ का जो व्यू है भाई क्या खूबसूरत है। और ये देख सकते हैं यहाँ से जो व्यू है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है भाई, यहाँ से नाइस व्यू। और यहाँ पे आपको कपड़ा धोने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, आप ला के यहाँ पे धो सकते हैं। ये अभी न्यू है, यहाँ कॉमन किचन बनने वाला है, तो अभी नया है तो इसलिए अभी तक कुछ भी बनाया नहीं। और यहाँ पे पूरा टेरेस पे ना जिम आने वाला है, तो बस थोड़े ही दिन में ये जिम भी प्रोवाइड करेंगे। ये जो है नॉन बालकोनी है, जो ये भी अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर बस विंडो है और यहाँ पर मस्त है सब कुछ अवेलेबल जो चाहिए रहने के लिए। तो भाई बहुत प्यारा है ये। और ये जो है सिंगल शेयरिंग का है जो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे आप सिंगल रह सकते हैं, जो 20,000 है इसका चार्ज है पर मंथ। और ये कुछ हॉल है जो आप स्टार्टिंग में आ गए थे, यहाँ पे सोफा ऑफर लगा हुआ है, आप यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको खाना मिलेगा, और इधर खाना शायद किचन ही है ना। हाँ, और ये किचन है जहाँ पर खाना आपको बन के रेडी होगा और आप लोग यहाँ पे आके बैठ के आराम से खा सकते हैं। तो आई थिंक यू गाइज विल लाइक इट एंड यू विल कम हेयर एंड स्टे हेयर एंड बी हैप्पी। यहाँ पे बहुत सारा पीजी है भाई। आप लोग आओ और थोड़ा सा टाइम लेके आप लोग सर्च करो, मैं जो नैना पीजी में हूँ अभी, लेकिन ये वाला भी पीजी बहुत अच्छा था। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी बहुत ज़्यादा पीजी है, तो आप लोग आके अपना पीजी सर्च करो जहाँ पे आपको रहना है, सिंगल में रहना है, डबल रूम में रहना है, कूल लिविंग में रहना है, तो काफ़ी अच्छा है। देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से बहुत सारा पीजी है, पीजी है हमेशा हर जगह पीजी पीजी है। और यहाँ पे मोस्टली जितना भी पीजी है पूरा कूल लिविंग है, लड़का लड़की एक साथ रह सकते हैं, वो वाला पूरा पीजी है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो सामने जो दिख रहा है नैना पीजी फॉर जेंट्स, मैं इसी पीजी में रह रहा हूँ। तो अंदर चल के हम आपको पूरा ओवरव्यू पूरा दिखाता हूँ मेरा रूम कैसा है। तो ये देख सकते हैं सामने से मेरा जो पीजी है 5th फ्लोर तक का है। तो और चल के हम अंदर आपको रूम भी पूरा दिखाता हूँ। और ये जैसे एंट्री करते हैं यहाँ पे नैना पीजी, और यहाँ पे पूरा एंट्री करते हुए पूरा कुछ ऐसा मेरा कुछ दिखता है जो काफ़ी अच्छा है। डाइनिंग हॉल है जहाँ पर हम लोग बैठ के आराम से खाना खाते हैं, और यहाँ पर स्टोर होता है हम लोग का खाना। अंदर चलता हूँ और फिर ये अपना दिखाता हूँ अपना रूम कैसा है। यहाँ पे हमेशा एक फ्रिज अवेलेबल रहता है, और ये जो मेरा पीजी है यहाँ पे सोफ़ा वोफा पूरा है आप देख सकते हैं। और ये जो है यहाँ पे पूरा बालकनी है जो अच्छा दिख रहा है अभी तक। अब चलते हैं हम अपने रूम दिखाते हैं हम आपको, जो मेरा रूम है वो थ्री शेयरिंग का है। और एक मेरा ये मेरा बेड है, यहाँ पर मैं सोता हूँ, और यहाँ पर कुछ मेरे दोस्त लोग हैं जो अभी सो रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे एक कवर, तीन कवर दिया है जो सबके लिए है एक एक। और ये जो दिख रहा है ये बाथरूम एक,
तो ये मेरा पीजी रह रहा है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। इसमें एसी नहीं है क्योंकि इसमें हमें सब फैन चलता रहता है और यहाँ पे उतनी मौसम गर्मी नहीं होती, ठंडी भी नहीं होती है, तो मौसम हमेशा अवेलेबल अच्छा रहता है, तो इसलिए एसी की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से यहाँ पे रह जाते हैं। और यहाँ पे लिफ्ट भी अवेलेबल है, तो मैं अब आपको छत पर भी जाके दिखा सकता हूँ। आते ही हमको कुछ ऐसा माहौल दिख रहा है, आप देख सकते हैं पूरा कपड़ा टंगा हुआ है। यहाँ से जो व्यू दिख रहा है, क्या खूबसूरत व्यू दिखता है, और ये रात में भी बहुत अच्छा दिखता है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है बंगलौर में जहाँ पे मैं हूँ जिस अभी फ्लोर पे, और यहाँ से कुछ नज़ारे ऐसे दिखते हैं जो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे रात में भी आके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे। If you wanna be a wonder, baby, come and show it. Tell me what you feel in your heart and your soul. There's nothing I would take. नैना पीजी का मैं आपको रेंट बता दे रहा हूँ, अगर आप थ्री शेयरिंग में रह रहे हैं तो पर शेयर 7,500 लगेगा, और डबल शेयरिंग का 12,000 रुपये पर शेयर लगेगा, और जो आप सिंगल शेयरिंग का एक रूम में रहते हैं ना, तो वहाँ पे आपको 16,000 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। और जैसे आप फर्स्ट टाइम आएंगे ना, तो आपको 5,000 रुपये एडवांस देना पड़ेगा, और जब आप ये छोड़ेंगे ना आप पीजी, तब आपको 3,000 रुपये रिटर्न आ जाएगा, और 2,000 रुपये वो साफ़ सफाई का पैसे ले लेता है काट के। तो मिला जुला के मैं बहुत सारा पीजी देखा, और मुझे ये वाला पीजी बहुत पसंद आया, क्योंकि एक तो यहाँ पे जो हॉल है, यहाँ पे बालकनी है, बहुत अच्छा है, और यहाँ पे बहुत शांत रहता है जो भी आसपास का इलाका है, ये जो इलाका बहुत शांत रहता है। और यहाँ पे जो खाना जो होती है तीनों टाइम प्रोवाइड करता है, सब ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, इसलिए अच्छा है। और यहाँ पे दो दिन नॉनवेज होता है, एक संडे को एक वेडनेसडे को नॉनवेज रहता है, बाकी दिन वेज रहता है। और यहाँ पे सांभर, इडली और छोला भटूरे, पूड़ी सब मिलता है यहाँ पे, तो इसलिए हमें पीजी बहुत पसंद आया एक रीज़न से। और दूसरा रीज़न ये था कि जो यहाँ पे कुक है ना, वो बिहार का ही है, तो थोड़ा टेस्टी खाना बनाता है जो अच्छा लगता है खाने में, तो इसलिए मैं ये चूज़ किया। और आप जहाँ भी जाएँ, जहाँ पे आपका काम है वहीं का लोकेशन का पीजी लें, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है बेंगलोर में, तो आप ज़्यादा प्रेफर कीजिए जहाँ पे आपका कंपनी या जहाँ पे आपका कॉलेज रहे, आप उसी के आसपास पीजी ले लें। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट और एम्प्लॉय आते हैं वो पीजी रेफ़र करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट जो है बहुत कॉस्टली होता है। एक 1 BHK का फ्लैट लेंगे तो आराम से 25,000 से 30,000 लग जाता है, इसलिए सारे लोग, जितने लोग यहाँ पे आते हैं, सब कोई पीजी रेफ़र करता है। तो बस यही रहा आज के इस ब्लॉग का एजेंडा। तो अगर वीडियो मेरे पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और देखते रहिए कि वो स्टार ब्लॉग।